हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, यहां पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है, उस दोनों इक्वेशन को हमें यहां पे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जो भी वीडियोस है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सीरीज सॉल्यूशन, देन मैंने उसके बाद यहां पे हायर फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वी, सॉल्वेबल फॉर वाई, एंड देन क्लोराइड फॉर्म के ऊपर इक्वेशन यहां पे आई टैब में आप जाके देख सकते हो। स्टूडेंट, ये टॉपिक समझने से पहले आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में CA4PI आपका नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी तकलीफ आएगी। तो यहाँ पे आप प्लीज ये देख लें, उसके बाद इसको समझे तो ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, दो आपको इक्वेशन दे रखी होती है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो इक्वेशन दे रखी, वहां से सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो वैसे स्टूडेंट बुक्स में अलग अलग टाइप के मेथड्स दे रखे हैं, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा। और ये समझने से पहले आपको एक क्रेमर रूल है ये समझना पड़ेगा कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको क्रेमर रूल से किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो देखिए, आप क्रेमर रूल में सबसे पहले हम डेल निकालते हैं। डेल क्या होता है, एपी बी क्यू, है ना, ये हमारा डेल होता है। डेल एक्स क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर एक्स है वहां पे हम ये सी और मतलब ये लिख लेते हैं सी और आर एंड देन बी क्यू, राइट। डेल वाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये तो एज इट इज रहता है, यहां पे हम इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, सी और आर रख लेते हैं, है ना। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आएगा स्टूडेंट, एपी माइनस पी बी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, सी आर माइनस आर बी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए आर माइनस सी पी, राइट। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल होता है, दैट इज डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी स्टूडेंट, सी आर माइनस आर बी डिवाइडेड बाय ए पी माइनस पी बी। और इसी टाइप से अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे आपके पास आएगा डेल वाई अपॉन डेल, दैट इज ए आर माइनस सी पी अपॉन कितना आएगा आपके पास, ए पी माइनस पी बी, राइट। तो इस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहां यूज करने वाले। तो यहां पे हम मैं आपको बता दूं डेल क्या होगा, हमारा डेल होगा हमारा एफ वन डी, है ना, जी वन डी, राइट, और ये आएगा एफ टू डी, देन जी टू डी, राइट, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, एफ वन डी जी टू डी माइनस कितना आएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ एफ टू डी, है ना, एफ टू डी इंटू जी वन डी, राइट। इसी टाइप से हम निकालेंगे यहाँ पे डेल एक्स, सो डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जहां पर एक्स होता है वहां पर हम टी वन टी टू रख देते हैं, राइट, ये टी वन और ये क्या आ जाएगा टी टू, देन ये आएगा आपके पास एफ टू डी, देन एफ वन डी, सॉरी जी टू, दिस इज जी टू, है ना। नाउ इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, ये से मल्टीप्लाई होगा तो जी टू डी इंटू टी वन माइनस एफ टू डी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टी टू। देन ऐसी टाइप से हम डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल वाई में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा, लाइक एफ वन डी इंटू और जी वन डी, राइट, और यहाँ आएगा आपके पास टी वन एंड टी टू, क्लियर है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एफ वन डी इंटू टी वन टी टू सॉरी माइनस ये कितना आएगा जी वन डी इंटू टी वन आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो ये जो फार्मूला होता है डेल वाला, इस फार्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, लाइक इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये डेल यहाँ लिख दूँ और इसको मैं ऐसे कर दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही करने वाला हूँ कि डेल एक्स डेल ये डेल है, डेल इंटू डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इस डेल को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये यूँ भी लिख सकते हैं इसको, तो मैं ऐसा लिखेंगे यहाँ पे लाइक दिस, है ना, ये डेल ये रहेगा इंटू एक्स, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ लाइक एफ वन डी इंटू जी टू डी, राइट, माइनस एफ टू पी इंटू जी वन डी इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये डेल एक्स के बराबर होगा। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी, ये रहेगी लाइक जी टू डी इंटू टी वन माइनस एफ टू डी इंटू टी टू, है ना, राइट। इसी टाइप से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, है ना, इंटू जी टू डी माइनस एफ टू पी इंटू जी टू पी डी, सॉरी दिस इज नॉट पी डी, है ना, और यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डेल वाई की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इस फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, तो मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है, पर आप यहाँ इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मैं अगर बात करूँ तो अब यहाँ पे दो फार्मूले आप याद रख लीजिए कि डेल इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, ये अलग है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और एक आता है डेल वाई इंटू
डेल वाई, है ना। तो ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल निकालेंगे, तो मैं आपको चलो डेल निकाल ही देता हूँ। स्टूडेंट डेल क्या होगा, तो डेल की वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस दैट इज डी स्क्वायर, है ना, माइनस दिस इंटू दिस। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, कॉफी इनके कॉन्स्टेंट को मल्टी। आप एक काम करो ना यार, सबसे पहले लिख लेते हैं, बेटर है। कितना आएगा, डी वन माइनस वन और डी, ठीक है। डेल एक्स क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ आएगा टी वन और ये आएगा माइनस वन और डी, राइट। फिर हम ये निकालेंगे डेल वाई, कितना आएगा स्टूडेंट, ये तो डी आएगा, ये वन आएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी और वन, बेटर, ठीक। नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, डेल एक्स इंटू डेल एक्स, दिस इज एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नाउ डेल इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा स्टूडेंट, डी स्क्वायर माइनस ये आएगा प्लस वन इंटू एक्स इंटू डेल एक्स, ये कितना आएगा, डी इंटू टी, है ना, प्लस वन, दिख रहा है, बहुत ईजीली समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी कितना होता है स्टूडेंट, वन, और ये वन और ये वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं टू लिख लेता हूँ, क्लियर। तो ये आएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एम इज इक्वल टू, यहाँ आएगा प्लस माइनस आयटा, देन यहाँ पे इसका हम सी एफ लेंगे तो कितना आएगा, सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, देन इसका हम पी आई निकालेंगे स्टूडेंट। तो ये एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा टू, और इसको मैं ले लेता हूँ ई की पावर जीरो टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट अगर आपको सी ए पी आई नहीं आता तो यहाँ आई टेब में प्लीज़ आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट के सी एफ और पी आई देख ले, जहाँ पे डी वहाँ कितना रखेंगे जीरो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई टू, सो यह आएगा एक्स इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी प्लस वन बाई टू। स्टूडेंट वाई की वैल्यू निकालने का तरीका ये भी कि ये सीधी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ से वाई आ जाए। कुछ बुक्स में ऐसे सॉल्व कर रखा, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आएगी स्टूडेंट, डेल वाई इंटू डेल वाई, है ना। तो यहाँ पर डेल इसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इंटू डेल वाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन, है ना, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ वन कितना होता है, जीरो होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका सी एफ होगा, सी एफ तो वही सेम यहाँ लेंगे, क्या होगा ये एम स्क्वायर प्लस वन, देन यहाँ से एम की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस आयोटा, देन इसका जो सी एफ होगा वो आएगा सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, देन यहाँ पी आई निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना, ये सीधा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आएगा माइनस टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन, देन वन कॉमन निकालेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा वन प्लस डी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का टी, देन आप इसका आंसर आएगा सी ए प्लस पी आई, देन वाई इज इक्वल टू ये आएगा सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी माइनस का टी। इस तरह से देखो, ये कुछ नहीं करा भाई, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा माइनस का वन माइनस डी स्क्वायर इंटू टी, और ये टी मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर बाई टी, तो ये दो बार डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, तो ये टी बचेगा तो माइनस टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स और ये वाई की वैल्यू आती है। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आएगा इजीली। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी और क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह से फॉर्म में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डी एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको यहाँ लिख लेता हूँ डी वाई माइनस टू एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी माइनस सेवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ लिखेंगे माइनस का टू एक्स प्लस डी माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था आपको पूरा देखना है कि यहाँ डेल क्या बन रहा है। तो स्टूडेंट डेल यहाँ पे ये बन रहा है, लाइक अगर मैं बोलूँ तो ये आएगा डी माइनस सेवन देन वन, देन ये आएगा माइनस टू, देन ये बन रहा है डी माइनस फाइव, देन डेल एक्स जो आएगा यहाँ पे इसकी जगह जीरो जीरो रख देंगे हम तो ये आएगा वन डी माइनस फाइव, और डेल वाई की जो जगह आएगी वो आएगी डी माइनस सेवन इंटू माइनस टू, यहाँ जीरो जीरो रख देंगे तो इन दोनों से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, डेल एक्स इंटू डेल एक्स होता है, एंड एक और होता है डेल वाई इंटू डेल वाई होता है, तो वही हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखिए आप डी माइनस सेवन इंटू डी माइनस फाइव, है ना, दिस इंटू दिस, है ना, माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू एक्स, और डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, जीरो है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व डी, है ना, और माइनस का कितना रहा 35, है ना, माइनस का 35 में से 2 गया तो कितना बचा, देखिए माइनस का 35
प्लस का 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास आएगी इसकी वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 12d, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर माइनस 547 क्या आएगा, यहाँ पे 11d आएगा, सॉरी 12 ही आएगा, ठीक है, सो माइनस का 12d एंड देन दिस इज माइनस का 33 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो माइनस 35 नहीं आएगा, प्लस आएगा, सो ये आएगा आपके पास प्लस का 37, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0, देन आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का b, क्योंकि इसके सीधे सीधे रूट्स नहीं निकलेंगे तो आपको उसको करना पड़ेगा, है ना, सीधाचार्य लगाना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4ac, है ना, तो 4ac तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 4, सो 28 एंड 2 एंड 4 इज 12, सो 148 आ रहा है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, सो m इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज 6 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, राइट. तो इसका जो सी एफ आएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ई की पावर 60 सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी आएगा, है ना. इसी टाइप से देखो यहाँ पे पी आई तो क्या आएगा, इसका जीरो आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, क्लियर है. तो अल्टीमेटली जो वाई का सॉल्यूशन भी ये का ही आएगा, है ना, आप करोगे तो वाई इज इक्वल टू भी सेम ही आएगा, बट मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूँ कि अगर आप एक तरीका और यूज करना चाहें तो एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप यूज कर सकते हैं. सो वाई की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू होगी, मैं इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो ये आएगा 7x माइनस dx हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 7 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, है ना, और माइनस का ये क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t हो जाएगा, देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये तो एज इट इज रहने देंगे हम, y इज इक्वल टू 7 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, है ना, माइनस. अब इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, तो ये आएगा 6 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, है ना, माइनस. अब इसी की पावर 60 को छोड़ा इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का c1 sin t प्लस का c2 cos t. तो स्टूडेंट देखो e की पावर 60 तो सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए आप इसको. नाउ c1 का कोफिशिएंट देखिए, c1 का कोफिशिएंट कितना, c1 cos t का कोफिशिएंट देख लीजिए सबसे बेस्ट, है ना, तो c1 cos t तो ये आ ही रहा है, लाइक मैं c1 cos t कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ c1 cos t, है ना. अब इधर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, राइट, यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, राइट, प्लस अब यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, c2 sin t कॉमन ले लेता हूँ, है ना. तो देखिए अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है अपने से, वो गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर cos t तो cos c कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लूँगा इसको 7 c1 माइनस 6 c1, है ना, प्लस का ये आएगा आपके पास c2, देन ये आएगा आपके पास cos t कॉमन, प्लस यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ sin कॉमन निकालें बेटर है, है ना, देन sin कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 c2, राइट, देन यहाँ पे आएगा माइनस का 6 c2 एंड देन ये आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का c1, देन ये आपका आंसर आएगा, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, बेस्ट है ना. तो y इज इक्वल टू e की पावर 60, देन ये से माइनस कॉमन आया तो यहाँ से बचेगा c1 माइनस c1, ओके c2 माइनस c1, राइट, सो c2 माइनस c1 इंटू cos t, और यहाँ से कॉमन आएगा तो ये आएगा c2 प्लस c1 sin t, और इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए तो आंसर वो का वही आएगा जो इसका आया था, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. तो स्टूडेंट मैं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और एक अगले पार्ट में लेने वाला हूँ, तो वो थोड़े से हेवी क्वेश्चंस हैं, सो वो आप और देखें, और मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो लास्ट यहाँ स्क्रीन पे आ रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc पे, वो आप सब देख सकते हैं. और स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फ्रेंड के साथ ज़रूर आप इसको शेयर करें, सो देट कि मेरे को आने वाले आगे और भी जो वीडियोज़ हैं उसके लिए मोटिवेशन मिले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.